जय नेपाल। आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, पूर्व जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय गिरीश चन्द्रलाल, विशेष अतिथिगण, पूर्व डीजी क्यान, आदरणीय रतीश सुमन तथा यस इन्टरनेसनल युथ कन्क्लेभ 2018 आमन्त्रित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय युवाहरूलाई आज बजमेसायर एपिसोड 3 गालिब स्पेसल अ ट्रिब्युट टु गालिबमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। म सहसञ्चालिका सुनिता पाठक। अलाउ मी टु वेलकम द होस्ट अफ दिस प्रोग्राम मिस्टर आरिफ सफी खानियारी, प्लिज वेलकम अन स्टेज। Namaste, adab, assalamu alaikum to everyone. From the platform of IYC, I welcome you all on behalf of Bazmi Shair. So, today we are celebrating Mirza Asadullah Khan Ghalib. How many of you know Mirza Ghalib? Wow, a lot of people. Thank you. Poochte hain wo ki Ghalib kaun hai? Poochte hain wo ki Ghalib kaun hai? कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या है। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे है, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। हाय हाय, आपने मुझे और एनर्जी दे दी। गालिब एक ऐसे शायर गुजरे हैं जिनका 27th ऑफ दिसंबर एक्चुअली उनका जो डेट ऑफ बर्थ है उस दिन वो दिन मनाया जाता है यौम गालिब। लेकिन एक हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं अभिनव चौधरी जी का और IYC टीम का जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दे दिया और उन्होंने क्लब किया इस प्रोग्राम को इसके साथ। तो इस बार हम मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब मरहूम एक तो उनको एक ट्रिब्यूट पेश करने वाले हैं अपने अपने हिसाब से सब लोग। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आप में से कोई अपनी लैंग्वेज में, इफ एनी वन ऑफ यू इवन फ्रॉम अफगानिस्तान बांग्लादेश, दिस वुड बी अ ट्रिब्यूट फॉर द पोएट्री, नॉट फॉर स्पेशली फॉर गालिब और फॉर स्पेशली फॉर द उर्दू। आप में से इफ एनीबॉडी ऑफ यू इज लाइक यू नो हु नो और हु हैज सम नो सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ पोएट्री, अगर उर्दू में इफ यू है रिमेंबर इन उर्दू और इफ यू कैन स्पीक इन उर्दू वुड बी बेटर। आई वुड रिक्वेस्ट द पीपल हु नो और हु वांट टू से वन और टू कॉम्प्लेक्स हियर इन देयर ओन लैंग्वेज, मे बी इन अफगानी और इट मे बी इन नेपाली और मे बी इन बंगला और मे बी इन हिंदी और उर्दू इवन मे बी इन इंग्लिश। So let's pay tribute. Wait. Pay tribute to the poetry, to the Ghalib, to the great legend of Urdu Ghazal, Mirza Asadullah Khan Ghalib Marhoom. मुझे लगता है चीफ गेस्ट साहब आ गए हैं। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज वेलकम हिम विद अ ग्रेट अप्लॉज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसके अलावा जो आज का प्रोग्राम है गालिब के अलावा, हमारे दरमियान एक नेपाल के उर्दू शायर, नौजवान शायर बैठे हैं हमारी इस महफिल में मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत कम उम्र में किताब भी लिखी है और किताब पब्लिश भी हुई है और किताब मकबूल भी हुई है। वी हैव वन नेपाली उर्दू पोएट हियर इन आवर दिस नो गैदरिंग एंड we will be talking with him maybe 4-5 questions in the program called shayar ka safar, shayar ki kahani, shayar ki zabani, and the name of the poet is Saher Mahmood. Please welcome Saher sir, ek minute khade ho jaye. So he's the poet and you will inshallah interact with him. Thank you, bahut bahut shukriya aapka Saher sir. Yaqinan ye jahan fani hai lekin यकीनन ये जहां फानी है लेकिन जहाने आरजू फानी नहीं है, ये इनका शेर है और इनकी किताब का नाम जहाने आरजू फानी नहीं है। इसके अलावा जो हम आज आपके सामने पेश करने वाले हैं, हमने नेपाल से आई विल ट्राई टू नो स्पीक इन टू लैंग्वेज सो दैट एवरी पर्सन विल अंडरस्टैंड हियर। हमने नेपाल से पहली बार ये कोशिश की है और हम किस हद तक अपनी कोशिश में कामयाब हुए हैं वो हम अब आप सब लोगों पे उसका
will give it to you कि हम उस कोशिश में कितना कामयाब हुए हैं. हमने पहली बार कोशिश की है कि नेपाल से नेपाली सिंगर, नेपाली पोएट और नेपाली कंपोजर उर्दू गजल गाए. अदरवाइज बहुत सारे बाहर की गजलें जो थी जो इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कहीं से भी गाई जाती थी, यहाँ पे गाते थे उसको, फिर से वहीं गाते थे. लेकिन हमने कोशिश की है कि यहाँ की गजल यहाँ का शायर, यहाँ का कंपोजिशन हो. और हमने एक वीडियो तैयार किया है. आई रिक्वेस्ट विजय टू प्ले दैट सॉन्ग. एंड दिस इज द लाइक वी आर लॉन्चिंग दिस सॉन्ग टुडे हियर. ये आज हमें एक नसीब मिला है तो इस सॉन्ग को हम लॉन्च करें फाइनल. I request the poet Jamshed Ansari, please, please come on the stage. He is here with us. Jamshed sir, please. Jamshed sir, on the stage, guys. The poet from Nepal, inki kitab bhi aayi hai. Aur inki hi ghazal humne yahan pe compose kiya, uska video taiyar hua hai. And it's on YouTube, please subscribe to our channel. जब से छोड़ गए तुम मुझको तन दुश्मन है मन दुश्मन. जब से छोड़ गए तुम मुझको तन दुश्मन है मन दुश्मन. पत्ते दुश्मन, खुशबू दुश्मन, गुल दुश्मन, गुलशन दुश्मन. बारिश के मौसम में दिल घबराता है, जल जाता है. बारिश के मौसम में दिल घबराता है, चल जाता है. भूली बिसरी यादें लेकर आता है सावन दुश्मन. जब से छोड़ गए तुम मुझको तन दुश्मन है मन दुश्मन. एक दूजे के दुश्मन है तो जीना मुश्किल है सबका. एक दूजे के दुश्मन है तो जीना मुश्किल है सबका. रब ही जाने क्या हो जिस दिन मिल जाए दुश्मन दुश्मन. जब से छोड़ गए तुम मुझको तन दुश्मन है मन दुश्मन. जब से छोड़ गए तुम मुझको तन दुश्मन है मन दुश्मन. तू जो नहीं तो घर की हर एक चीज डराती है मुझको. तू जो नहीं तो घर की हर एक चीज डराती है मुझको. बिस्तर तकिया सोफा दुश्मन, बामोदर आगन दुश्मन. जब से छोड़ गए तुम मुझको तन दुश्मन है मन दुश्मन. जब से छोड़ गए तुम मुझको तन दुश्मन है मन दुश्मन.
ऐसा दुनिया में जिसका ना हो दुश्मन कोई। कोई नहीं ऐसा दुनिया में जिसका ना हो दुश्मन कोई। शीशे का पत्थर दुश्मन है, आशिक का चिलमन दुश्मन। जब से छोड़ गए तुम मुझको, तन दुश्मन है मन दुश्मन। जब से छोड़ गए तुम मुझको, तन दुश्मन है मन दुश्मन। रात गए घर में छन छन की आवाजें तड़पाती हैं। रात गए घर में छन छन की आवाजें तड़पाती हैं। जैसे हो नींदों का मेरी चूड़ी पायल, कंगन दुश्मन। जैसे हो नींदों का मेरी चूड़ी पायल, कंगन दुश्मन। जब से छोड़ गए तुम मुझको, तन दुश्मन है मन दुश्मन। जब से छोड़ गए तुम मुझको, तन दुश्मन है मन दुश्मन। किस्मत ने है आंसू बख्शा, जीवन ने तन्हाई दी। किस्मत भी जमशेद है दुश्मन, तन्हाई जीवन दुश्मन। जब से छोड़ गए तुम मुझको, तन दुश्मन है मन दुश्मन। जब से छोड़ गए तुम मुझको, तन दुश्मन है मन दुश्मन। इंशाल्लाह हमारे चैनल बदली शायद है और उसमें हम और भी हमारी कोशिशें चल रही है। हम नेपाल से कोशिश कर रहे हैं कि नेपाल के जितने भी उर्दू शायर हैं हम उन तक पहुंचे, उनकी कहानियां आप तक पहुंचाएं। और उनमें से हमारी पहली कोशिश जो हमने की है वो आपके सामने हमने रख दी। और इससे पहले जो हमने पहला शायर का सफ़र किया है वो हमने जमशेद भाई के साथ ही किया था, शायर का सफ़र, शायर की कहानी, शायर की ज़बानी। तो इस वीडियो में जो काम किया है, एक तो खुद जमशेद साहब ने को आपने देख लिया और हमारे दरमियान मौजूद हैं, प्लीज कम ऑन द स्टेज सुनीता जी, इन्होंने इस वीडियो में काम किया। एंड द कैमरामैन प्लीज, ये कैमरामैन हमेशा कैमरा के पीछे रहते हैं। दानिश प्लीज कम ऑन स्टेज, नो यू कम ऑन द स्टेज, आई जस्ट वांट टू शो द पीपल द यंग चैप बिहाइंड दिस ग्रैंड वीडियो। प्लीज प्लीज वेलकम दानिश, इज अ लवली 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 कैमरा मैन, लवली ह्यूमन बीइंग। सो आरिफ, थैंक यू आरिफ रऊफ, द सिंगर एंड द कंपोजर ऑफ दिस गजल इज अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट फीलिंग वेल, अदरवाइज ही वुड हैव बीन हियर। एंड एक और गजल हम आज सुनते उनकी जुबानी, लेकिन ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं था शायद आज, तो उन्होंने हालांकि गालिब की गजल कंपोज भी की है, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट फीलिंग वेल, मे ही गेट वेल सून। ये नेपाल की शान है, नेपाल से हम कुछ आगे जाएंगे, बाहर जाएंगे।
Wow!